बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करना मेरे तमाम बहन भी जी थे खुश हैं, बाद रहें हमेशा से मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और जी तंदूर जेड़ना मुकम्मल लिंबी गए, बेगम जेड़ना होना बैक साइड तो जेड़ना तंदूर वगैरह जेड़ना लिंब रही गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं भी जेड़ तंदूर लिंब के आ गए, 10 तंदूर जेड़ना आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बहुत ज्यादा तुमने ना दिखती सुबह तो होने तक कर जेड़ना तंदूर एक थान बड़े भी दो जेड़नो ज्यादा जेड़नो औखे लिंबिंदे ने, लेकिन मैं लिंब लेना सी लेकिन बैर जेड़ना काम करना मैं शुरू करता। तंदूर रेत जो छान लेना, रेत छान के उस बाद मिट्टी गो लेना, मिट्टी गो के फिर आटके जेना पिछले तंदूर जो बचे ना सात अठ उन्होंने बैग सेट में लिंब लवाना, फिर आटके इन्होंने मुंगर वगैरा वह भी मारना, वाण भी जेन बनाना और छापर में लाजमन जेना लैके आना। रात भी जेना परेशानी वगैरह काफी सारी बनी, बदल आ काफी सारा, मैं अगर बारिश आ गई ना तो छापर एक ही है अंदर छापर जेना देवे या बैर, इस करके जेना टेंशन वगैरह बनी रही। और बेगम ने तंदूर लिंबे ने माशाल्लाह अज जेना 10 तंदूर जेना लिंबी गए, 2 तंदूर जेना वड्डे, 8 तंदूर जेना छोटे, 5 इंज करके लिंबी गए, 3 ऐ लिंबी गए, 1 वड्डा लिंबी गए और 1 ऐसी पहली दफा जेना लिंबिया। और इन्होंने जेना मुंगर वगैरह जेना मारने मेरा घंटा तो इन्होंने मुंगर मारद मारद ही जेना लग जाना, लेकिन सब तो पहले जेना रेत छान लेने, मिट्टी जेना कल दी बेक रखी हुई मिट्टी कुट के भी बेनी है दोबारा, पहले वाली जेना मिट्टी गो लेने, इस तरह करके काम वगैरह काफ़ी सारा जेना बन जाना। हाँ जी, तो मिट्टी जेना तकरीबन तीसरा पूर जेना हूँ गो रहा, और नुमान भी जेना स्कूल चो आ गया, कलर लाए लिया और दुकान ही बंद है। दुकान बंद है, वापसी तो ले लेंगे। चलो मैं जाना शहर हूँ जेना छापर लवन जाना है ना, तो कलर जेना तेरे कल यूसा ठीक है, कल्ले कलर ही लेना है ना, और तो नहीं कुछ लेनी। चलो रोटी खा ला तो फिर जेना गल बात आप बाकी करते हैं। हाँ जी, तो मिट्टी जेना सारी गो लई है, ऐला पूर जेना नरम गोया, मैं शहर छापर लै आना क्योंकि तंदूर लिंबड़े शुरू करते तो शायद शाम हो जाए, इस करके पहले छापर भी लै आने कुछ पकान घर लै आने, फिर उधरों शहरों वापसी आन के सब तो पहले तंदूर लिंब ली सा, उस बाद देखा कि टाइम होया तो फिर जेना कोई और काम कर लें, मूंगा राले तो नहीं सुकते, मैं वापसी से आन के जेना मार लाँ। अभी तो शहर सब तो पहले जेना छापर वगैरह जेना लै भी क्योंकि शाम हो गई तो पता नहीं जाए बंद ना हो जाए, इस करके मैं बाकी का काम जेना आन के करा। अभी तो समान जेना असं लै लिया, शक्कर जेना वो भी लै लिया तंदूर वास्ते, नाल जेना अच्छ असी सब्जी वगैरह जेन कोई ले दही ले आ नाल पकौड़िया लगे, मैं क्या जे मैं बनावे दही भले, दही भले मैं सालन जेना काफी दिन हो गया बनाते गए, दही भले जेना गर्मियों बनाए सर्दियों पूरी कोई नहीं बनाए, मैं चल के जेना दही भले बना के खा भी लवेंगे रोटी भी उन्होंने खा लवेंगे। हाँ जी, तो घरे जेना पहुंच गया है और छापर के जेन लैके आया, मैं 2 पीस 15-15 फुट दे, मैं क्या तंदूर ज्यादा भी हो जाते हैं ठीक है ना, तंदूर ज्यादा भी हो गया ना मसला नहीं बनेगा, इस करके 2 पीस लैन देने, एक पीस पहले प्यो टोड़िया तो पा लिया करा, तो दोवें वे जेना पीस बैर पा लवेंगे, तो जो छोटा पीस पे है बैर वो जो लैन का सी अपना 8 फुट के 10 फुट और लिया के अपना टोके के उपर जेना पा दें ठीक है ना, हाँ इन्हों की कटाई करके आप रख लें अंदर ठीक है ना। नुमान कैंची लिया मामू आ देखो दुकान खोल ली होगी, हाँ और सब्जी में इस करके नहीं लैंदी, मैं दही बल्ले बनाने गर्मियों चा बनाए सी मुड़ के जेना बनाए कोई नी, ते दही बल्ले जेना अज बना लेने, हाँ रोटी भी खा लवेंगे तो वैसे ही खा लो, पकौड़िया जेना बेह के रख दे ते और घंटे तक जेना बना लेने ठीक है, ठीक है। हाँ ना
ਆ ਦੂਸਰੇ ਪੀਸ ਦੀ ਜਾਈ ਨਾ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬਲੇਜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲੇਗਾ ਭਰਾ ਜਿਮ ਜਾ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਲੇਜ ਕੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ हाँ जी तो छापर जेना तय ला के कमरे जेना रखते ने बारह छावेगी तो हम टेंशन कोई नहीं है इतों का ही छापर आ गया तो बैर का भी जेना छापर आ गया और मैं पहले तंदूरियाँ जेना लिया मरीना बाद जेना मुंगर वगैरह जेना ये मार लवागा और मिट्टी जेना बाल्टियाँ तकरीबन दो लगनिया ने एक ला चलने एक जेने बाद चा चा लवाना और इन्हें नोन लेंब लेने ना सवेरे इन्हें जो कड़े ला के बहर रख लवेंगे क्योंकि सुबह फिर जो होर भी काम जो काफी सारा जो बन जाना और एक तो दूर जाना हो गया मुकम्मल और छह पैन है आठ जेड़ना मुकम्मल आठ दूर जिंदे दो जेड़ना बेगम ने लेंब ले आना और मैं जो सारे तंदूर जाने हाँ जी तो तंदूरी भी जो रह गई आखिरी और मिट्टी भी जी होगी खत्म और चल के मिट्टी जी थोड़ी जी और लै हमने हाँ जी तो तंदूर सारे निभी गए हूँ मारना मुंगर मुंगर भी मारना और इन्होंने कड़े वगैरह जेना वह भी बनाने ने और दसा तंदूर के जेना कड़े बनाने पहले बड़ा पहले निबीजा से पहले बड़े तो कड़े वगैरह बना लेने उस तो बाद जेना मिट्टी जेने भी थोड़ी बहुत जी पई है भी जेना साइड तो करनी है और अज मैं सोचा कि हाल माण वगैरह जेना चक के त्याल कचरा वगैरह उत्थे जेन इको जहाँ कर लवाना लेकिन अज भी नहीं होया क्योंकि मैं शहर चला गया उन्होंने वजह तो लेकिन यह भी जरूरी सी जिमें कि रात में काफ़ी सारा बदल से बारह छा जी काम खराब हो गया और फुल तो जेड़ना माशाला जेड़ना बहुत अच्छी तरीके बूटे सारे जेड़ना ग्रो कर रहे इधर बिच भी काफ़ी सारे जेड़ना फुल खिले हुए माशाला और खुशबू इन्नी प्यारी आँदी ने इन्हों की लेकिन गार्डन की जी सैटिंग वगैरह कर लेनी है कि इधर थले जेड़ना खिले करता हाँ हूँ खिल रहे नुमान जुत्ती पा पुत्र जुत्ती पा शाबाश शाबाश और बेगम भी जेना बना रही है सालन बनान तो लगे से असी जेना दही बल्ले लेकिन आलू मटर पाए से आलू मटर अज इन्ना पका लिया कल दोपहर टाइम फिर बना ली ठीक हो गया तो सवेरे दोपहर टाइम आप फिर दही बल्ली बना लेंगे चल बाल देना हाँ जी तो मैं भी जेना बहर चला गया सी तंदूरियां जेना बाहर देखने गया सी तंदूरी जेनियां दे नाल दी छोटी जेना पसंद करके गए सवेरे जेना कह रहे हैं कि असं जेना चक लै जावे क्योंकि उन्होंने दाने से जेने तंदूरी लैनी है पैसे तो उन्होंने कोई लेने से दाने से जेना फिर जो कनक पक्की उन्होंने दाने लै लवेंगे बेगम भी जेना बना रही रोटियां
ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਵਗੈਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੀ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਗਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੰਦੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਣੇ ਸੀ ਕੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 15 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਣੀ ਨੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੰਦੂਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਗਈ ਆ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਦੀ ਨੀ ਲਿਖੇ, ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਵਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਬਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਗੀਆਂ ਕੋ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ 40 ਤੰਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੇਰਾ ਬਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਸਾਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਲੇ ਸੁਬਹ ਨਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰੀਆਂ ਹਲੇ ਤੇ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਚੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦੂਰੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਡੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।